प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंगलवार को सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन के सभागार में स्वयं सहायता समूहों, क्षय रोग ग्रसित बच्चों को गोद लिए प्रतिनिधियों एवं किसान उत्पादक संगठन व प्रगतिशील किसानों के साथ बैठक किया तथा स्वयं सहायता समूह की 11 समूहों से वार्ता की। बैठक में समूह की महिलाओं द्वारा महामहिम को बताया गया कि समूह से जुड़कर उनका आर्थिक उन्नयन हुआ है और परिवार में खुशहाली आई है। इस मौके पर महामहिम राज्यपाल ने स्वयं सहायता समूहों को 7,33,10,000 का डेमो चेक, जिसमें 10,074 समूहों का रिवॉल्विंग फंड तथा 520 समूहों को 1,10,000 रुपए शामिल हैं। इसके अलावा सामुदायिक शौचालय के तहत 2 महिलाओं को चाबी एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कोटे की एक दुकान का चयन नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की बातों को सुनकर अपार खुशी हो रही है। 10 साल पहले महिलाओं की स्थिति और आज की स्थिति में बेहतर सुधार हुआ है। स्वयं सहायता के अंदर महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और आज वे इससे जुड़कर उनका आर्थिक उन्नयन हुआ है। उन्होंने कहा कि समूह की महिलाओं को आगे आकर टीबी ग्रसित बच्चों, मरीजों के परिवार को प्रेरित करें कि अच्छे खानपान से मरीज ठीक हो जाएगा। गांव में ऐसे मरीजों की जानकारी समूह को करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संकल्प लिया जाए कि बाल विवाह एवं दहेज प्रथा की परिपाटी को पनपने नहीं दिया जाएगा। महिलाएं जब तक चुप रहेंगी तब तक यह कुप्रथा दूर नहीं हो सकती है। समाज में कुप्रथा को दूर करने के लिए महिलाओं को आगे आना होगा। महामहिम राज्यपाल ने कहा कि स्वयं सहायता समूह से महिलाओं को मान सम्मान गौरव प्राप्त हुआ है। देश के विकास में महिलाओं की शक्ति को जोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। किशोरियों, बेटियों, युवाओं के हित में अनेक योजनाएं शासन द्वारा संचालित की गई हैं। इसके व्यापक प्रचार प्रसार के साथ ही इसका लाभ पात्र लाभार्थी को मिले। महामहिम राज्यपाल ने कहा कि वर्ष 2025 तक पूरे देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य भारत के प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित किया गया है। टीबी ग्रसित मरीजों को चिन्हित कर उनका इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा सभी अधिकारी कम से कम एक एक टीबी ग्रसित बच्चों को गोद लें और इस कार्य में स्वयंसेवी संस्थाएं भी जुड़ें। इसके अतिरिक्त महामहिम राज्यपाल ने कुल 5 किसान उत्पादन संगठन एवं प्रगतिशील किसानों से वार्ता की तथा कहा कि प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। जब लागत कम होगी तो आय बढ़ेगी। उन्होंने कंपोस्ट खाद का अधिकाधिक प्रयोग करने के सुझाव देते हुए कहा कि केमिकल युक्त अनाज, फल, सब्जियां स्वास्थ्य के प्रति अच्छी नहीं होती हैं, इसलिए ऑर्गेनिक उत्पादन की ओर जाना है। उन्होंने यह भी कहा कि किसान अन्नदाता हैं। इस अवसर पर प्रौद्योगिकी शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन बार बार होने चाहिए। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने महामहिम राज्यपाल एवं उपस्थित सभी के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए कहा कि मंडल में एक जनपद एक उत्पाद मनरेगा NRLM में समूहों को विकसित कर उनका आर्थिक उन्नयन कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में विभिन्न विभागों में आपसी समन्वय बनाकर कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने कार्यक्रम में उपस्थित महामहिम राज्यपाल सहित सभी का स्वागत करते हुए आश्वस्त किया कि दिए गए निर्देशों का 100% अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने कहा
हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। कृपया ताली बजाकर स्वागत करें। पहली कड़ी में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंधित कुछ कार्यक्रम किए जाने हैं, इसके लिए किया जाएगा ताकि हम ये अवगत करा सके इस समय हमारे जिले में एनआरएलएम के तहत क्या प्रगति है, क्या स्थिति है। रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाना है, उसी कड़ी में कुछ परियोजनाएं हम लोगों ने चयनित की है। मैं थोड़ा थोड़ा जो इसके लक्ष्य हैं वो मैं बता देता हूँ। समूह होता है 10 से 20 महिलाओं का एक समूह बनता है, फिर 10 से 15 समूहों का एक ग्राम संगठन बनता है। हम लोग अभी तक 137,000 तक पहुँचे हैं, 137,000 महिलाओं को हम लोगों ने जोड़ा है समूह से। अब तक 12,583 समूह पूरे जनपद में बन चुके हैं। हमने अब तक रिवॉल्विंग फंड एक जनपद एक उत्पाद में हमारे टेराकोटा में देश के हर जहाँ भी इनका मेला लगता है वहाँ जाती हूँ और अपने अभी उत्पाद को सुचारू रूप से चलाने के लिए शासन के निर्देशन सा प्रत्येक गांव में 1717 ईसी सखी का चयन हुआ। मैं आरसीपी के द्वारा इनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है और इससे ये समूह की महिलाएं हैं और टोटल जहां समूह नहीं रहा है वहां भी गांव की महिलाओं को चयन किया गया है। ये बैंकिंग का काम करेंगे क्योंकि गांव में जो भी बैंक से संबंधित होगा लेकिन वो इनके माध्यम से कराएंगे सरकार। मैम स्किल ट्रेनिंग में हम लोग आरसीपी से कराते हैं। अब तक हम लोगों ने 786 समूह सदस्यों को कराया था, 542 जो लोगों ने रोजगार शुरू कर दिया है। इसमें मैम सिलाई भी है, अगरबत्ती है, जूट का थैला है, घरेलू उपकरण है, ब्यूटिशियन आर्ट का कोर्स हम लोग महिलाओं को कराते हैं। कुछ सिटीजन मनरेगा में मैम जो बोर्ड लगता है सिटीजन पार्टनरशिप बोर्ड वो हम लोगों ने समूह की महिलाओं से करवाया और प्रेरणा कैंटीन ब्लॉक स्तर पे और तहसील स्तर पे महिलाओं को दिया है कैंटीन चलाने के लिए। 12 कैंटीन अब तक चल रही है और मनरेगा से लोगों ने 570 बोर्ड मनरेगा का किया है और आगे इसमें हम महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। इस साल से अधिकतम 100% सीआरपी बोर्ड में मनरेगा की समूह की महिलाएं हैं। स्कूल ड्रेस मैम बेसिक शिक्षा विभाग के बच्चों को हम लोग को इस साल 284,678 स्कूल ड्रेस सिल के वितरण किया है जिसमें 1249 महिलाएं हमारी मैम लगी हुई थी और उन लोगों ने ड्रेस सिल करके दिया है। ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ये आजीविका एक्सप्रेस का संचालन है। बहुत समूह ने इतना किया है कि बोल रही आता हूँ विकास समूह जिनमें के लिए समूह का 974 हम लोगों ने बांट दिया था। अब इस साल में ये अभी शुरू नहीं हो रहा है। एक सुचारू रूप से चलाने के लिए शासन के 1317 बीसी सखी का चयन हुआ। समूह नहीं रहा है वहाँ भी गांव की महिलाओं को ही चयन किया गया है। ये बैंकिंग का काम करेंगे क्योंकि गांव में जो भी बैंक से संबंधित होगा लेन देन वो इनके माध्यम से कराने की सरकार के लिए 86 समूह सदस्यों को कराया था। कुछ सिटीजन मनरेगा में मैम स्कूल ड्रेस मैम समय समय मैम इनको प्रोत्साहित करने के लिए सरस मेला भी लगाया जा रहा है। गोरखपुर महोत्सव में हम लोगों ने 850,000 की बिक्री की थी। यहाँ आजीविका एक्सप्रेस का संचालन हमको ले जाने के लिए मैम इसके अलावा जहाँ पे हम लोग सेंटर किए थे उसका अपनी बात जो है उसके ऊपर एक मंजिल और बनवा के ऊपर की मतलब ऊपर की कुछ मशीनें रखी थी। आज गोरखपुर में महामहिम राज्यपाल महोदय ने कार्यक्रम दिए थे। खासतौर पे सुबह यहाँ विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय का कन्वोकेशन था, उसके बाद सेकेंड हाफ में 3 बजे से यहाँ कार्यक्रम हुई थी। खासतौर पे 3 प्रमुख कार्यक्रम रहा है। पहले कार्यक्रम यहाँ स्वयं महिला समूह उन लोगों के साथ मुलाकात किए, काफ़ी समय तक उन्हें लगभग 1 घंटे उन लोग से राय लिया, फिर उन लोगों को सुझाव दिए और बहुत सारे महिला को प्रेरणा के स्रोत के रूप से मैडम ने बहुत सारे मार्गदर्शन दिए थे। खासतौर पे उन्हें बताया था जो महिला
केवल जो पैसा कमाने के स्रोत के रूप से उसको नहीं देखना चाहिए था इन लोगों का आजीविका मिशन को, उसका तो मान सम्मान देने के भी उसका योगदान है। उसके अलावा अपने बच्चे के पढ़ाने के लिए भी बताई थी और गांव में जो अन्य कुपोषित बच्चे हैं उसको भी गोद लेने के लिए प्रेरित कर रही थी मैडम ने। और दूसरे कार्यक्रम हुई थी टीबी बच्चे के गोद दिलाने के काम था, तकरीबन यहाँ 260 बच्चे 18 साल के नीचे हैं गोरखपुर में टीबी से ग्रस्त थे, उन्हीं लोगों का विभिन्न संगठन से यहाँ जो यूनिवर्सिटी साहिब में वी सी साहब से, जिला प्रशासन से, रोटरी क्लब, लायंस क्लब और विभिन्न संगठन से गोद दिलाई थी मैडम के हाथों से। बहुत सारे बच्चे का आज हम लोग गोद दिलाए थे ताकि वो 6 महीने यदि कोर्स वो ले लेंगे फिर 6 महीने के बाद वो टीबी से मुक्त हो जाएंगे। तीसरा कार्यक्रम था किसान संबंधित कार्यक्रम थी, खासतौर पर FPO गठन जो यहाँ हुआ है गोरखपुर में तकरीबन 18 उन लोग से वार्तालाप की थी। फिर प्रगतिशील किसान है जो आजकल बहुत आधुनिक खेतीबाड़ी कर रहे हैं, कुछ लोग ब्रोकोली से कर रहे हैं, कुछ लोग स्ट्रॉबेरी से कर रहे हैं, उसी किसान से वार्तालाप की थी। फिर किसान को भी मार्गदर्शन दी थी आज का सरकार का योजना क्या क्या ही और किसान का आमदनी कैसे दोगुना होना है उसका भी सलाह दी थी और बहुत काफ़ी लाभान्वायक रहा किसान को भी जी। बहुत विभिन्न योजना का चेक भी वितरण किए थे, वैसे खासतौर पर मान लीजिए महिला का जो रिवॉल्विंग फंड है गोरखपुर में 7 करोड़ के आसपास रिवॉल्विंग फंड आज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसी के आदरणीय महामहिम महोदय से हाथ से दिलवाए थे। उसके अलावा जो यहाँ सामूहिक शौचालय का जो चाबी हैंडओवर किए थे, फिर यहाँ कुछ राशन दुकान का भी अलाटमेंट उन लोगों को मिला है, वो सारे चीज़ महामहिम राज्यपाल महोदय ने दिए। चेक पूरा समूह का है, एक तरफ से गोरखपुर में कितने समूह हैं महिला समूह का 7 करोड़ के आसपास का जो है रिवॉल्विंग फंड कहते हैं उसको, उन्हीं का दी गई है।